आज के इस सेशन में हम यह जानने वाले हैं कि आप ओ लेवल के लिए एडमिशन, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, उसे आप कैसे फिल करेंगे। ओ लेवल कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में, तो इसमें कितनी फ़ी लगने वाली है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर ओ लेवल कोर्स और ए लेवल कोर्स, इन दोनों के बारे में ही कंप्लीट जानकारी वाले वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे तो आपको यहाँ से डिटेल में आइडिया लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल को ओपन करना है, student.nilit.gov.in। इस पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देन मिलेगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो मान लीजिए हमें करना है ओ लेवल के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ए लेवल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो फॉर्म है वो सेम ही होता है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है ओ लेवल पे। देन इसे आपको यहाँ से चेक कर देना है, आई एग्री एंड प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक बार होता है, जिसकी फीस 500 रुपये होती है, और जो ये फीस है, रजिस्ट्रेशन है, ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। यानी कि आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी तो वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। जो अभी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ओ लेवल कोर्स के लिए या फिर ए लेवल कोर्स के लिए, उसके एग्ज़ाम आपके जनवरी 2023 में होंगे। यानी कि अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आप जनवरी 2023 में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो ओ लेवल रजिस्ट्रेशन है इसकी फीस 500 रुपये होती है। इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से डिटेल में, ताकि आप लोगों को फीस को लेकर कोई दिक्कत ना हो। वन मिनट। तो यहाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको कराना होता है ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन, जिसकी फीस है 500 रुपये। इसके बाद में ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, तो चारों पेपर की फीस आपको पड़ेगी 4000 रुपये। यानी कि एक पेपर और उसका प्रैक्टिकल, उसकी फीस होती है 1000 रुपये। तो आपके 4 पेपर हैं तो फीस कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये, प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। तो यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा 4100 रुपये। देन इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। जो प्रोजेक्ट होता है उसकी फीस 100 रुपये होती है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, 500 4100 हो जाएगा, 4600 और 100 4700। तो यानी कि अगर आप ओ लेवल डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करेंगे तो आपको यहाँ पर 4700 रुपये का खर्चा आने वाला है। जो ओ लेवल कोर्स है ये 2 सेमेस्टर का होता है, यानी कि 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स होता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपके 4 पेपर होते हैं, M1, M2, M3 और M4। चारों पेपर में सेम पैटर्न लागू होगा। मान लीजिए पेपर है M1, तो जो पेपर है इसका एक थ्योरी पेपर होगा, जिसमें आपके 100 MCQs आएंगे और वो 100 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे में 100 MCQ, ठीक है, 100। और इसी प्रकार से M1 का ही प्रैक्टिकल होगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, और ये 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके 80 मार्क्स
डेमोन्स्ट्रेशन के रहेंगे और 20 मार्क्स वाइवा के रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों का M2 में भी होगा, इसी प्रकार से M3 का पेपर होगा, उसका प्रैक्टिकल होगा, इसी प्रकार से M4 का भी होगा। जो प्रोजेक्ट होता है उसकी फ़ीस 100 रुपये होती है, और जो प्रोजेक्ट है वो आप कम से कम 2 पेपर पास करने के बाद कभी भी सबमिट कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पिछले कई वर्षों से ओ लेवल कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, और हजारों छात्रों ने अपना ओ लेवल हमारे कोर्स के थ्रू कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ पर आकर ओ लेवल के जो कोर्स हैं उसमें इनरोल कर सकते हो। इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है पेड कोर्सेस पे, तो आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो आपका नाम है उसे आप फिल कर दीजिए, और ध्यान दीजिएगा जो कोर्स है उसे आप 2 प्रकार से कर सकते हो, एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में और किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू में। दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं होता, जो सर्टिफिकेट है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है। फ़र्क ये है कि जो क्लासेस हैं वो आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाती हैं, बट अधिकतर छात्र अपना ओ लेवल एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हो और ये आपका कम पैसों में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करना चाहते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हो। देन आपको यहाँ पर क्लिक करके आप मिस्टर मिस जो भी है आपको सेलेक्ट करना है, आपका नाम, आपके आपकी देखभाल कौन करता है, आपके पेरेंट्स या फिर कोई अदर गार्जियन है, इनमें आप टिक लगा लीजिए, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करते समय गलती ना करिए, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसे प्रॉपर तरीके से फिल करिएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, और बाकी की जो ऑप्शंस हैं इसको आप चॉइस कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, आपका धर्म कौन सा है, और इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही फिल करिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी दोनों पे मिलते रहेंगे। अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए, और इसके बाद में जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपने 10th के साथ में ITI किया है, या फिर आप इंटर पास हो, या फिर आपने NCVT से DPCS या फिर कोपा किया है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप इससे भी हाई डिग्री वाले हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट में है। साथ ही जो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है इंटर, तो आपने इंटर कब पास किया वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप ओ लेवल एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर की फील्ड में अनुभव होना चाहिए, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता है एक्सपीरियंस का, आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, जो भी आपके साइन है आप यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, और साथ ही बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, लेफ्ट हैंड थंब का जो निशान है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपकी बॉडी में जो विजिबल मार्क है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जैसे कि किसी के तिल होता है बॉडी में या किसी के कोई चिन्ह होता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, इसको आप यहाँ पर चेक पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देन आपसे बोलेगा कि भैया 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, आप फीस पेमेंट कर दोगे 500 रुपये की, देन आपको मिल जाएगा एक अप्लीकेशन नंबर। क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा एक अप्लीकेशन नंबर,
देन जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस फॉर्म में फिल करते समय फिल किया था, कुछ टाइम के बाद में, लगभग एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के आसपास आपके मेल पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर तरीके से। देन जब आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको फिर से इस पोर्टल पे आना है, न्यू यूजर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है ओ लेवल, अगर आपने ओ लेवल के लिए किया था तो। देन इसके बाद जो नंबर आपको अलॉट हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड इसके बाद कैप्चा कोड। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, तो आपको वहाँ पर एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन आपसे बोलेगा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, तो जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है वही पासवर्ड आपको नीचे वाले कॉलम में फिल करना होगा। देन आपसे एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप वहाँ पर ले सकते हो अपने पहले स्कूल का नाम या फिर अपने पापा का नाम, जो भी आप लेना चाहो। देन उसी के नीचे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मान लीजिए आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट किया है अपने पहले स्कूल का नाम, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके पास कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओ लेवल को एक ही बार में अच्छे ग्रेड से पास करने के लिए आप हमारा ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।